नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप श्रीवास्तव और आरजीयू के इस पोर्टल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इसके पहले लेक्चर जो हमने करे उसमें हमने बेसिक्स की बात करी एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की, और उसके बाद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था करेक्शन होता है जो एयरपोर्ट की रनवे लेंथ में, उसकी हमने डिटेल्ड बात करी। हमने 3 अलग अलग वीडियोज़ डिटेल में हर करेक्शन के लिए बना रखे हैं, आप उसको देख सकते हो। और उसके बाद में अभी हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें हम पूरा का पूरा करेक्शन का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। एंड आई रिकमेंड यू टू वॉच दिस क्वेश्चन, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बताएगा कि आप किस तरीके से अप्रोच करोगे गेट के क्वेश्चन को। और ऑलमोस्ट 80-90% टाइम अगर करेक्शन से क्वेश्चन आता है तो सेम पैटर्न फॉलो करता है, और बहुत छोटा क्वेश्चन होता है या तो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। तो क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगा और उसके बाद मैं क्वेश्चन में यहाँ से रीड करूँगा, वैल्यूज़ लिखूँगा, एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। आई विल रिकमेंड यू कि पहले आप ट्राई करो, देन स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो। ओके, तो अभी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। तो क्वेश्चन ये जो है हमारा क्वेश्चन 7 हमारे इस लिस्ट में 2017 के गेट के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इसमें क्या है, रनवे इज़ बीइंग आई होप कि आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे, ए रनवे इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन अ न्यू एयरपोर्ट एज पर द ICAO रिकमेंडेशंस। द एलिवेशन एंड द एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर ऑफ दिस एयरपोर्ट आर 535 meters एबव द मीन सी लेवल एंड 22.65 degrees Celsius। पहले इन्होंने क्या दे रखा, एलिवेशन और एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर, ठीक है। तो अभी इसको नोट डाउन करते हैं। पहले अप्रोच कैसे करोगे आप क्वेश्चन को, पहले जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसको डायरेक्टली नोट डाउन करो, तब आपको क्लिक करेगा हाँ ये फार्मूला लग सकता है या ये कॉन्सेप्ट लग सकता है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, एलिवेशन की वैल्यू लिखते हैं। एलिवेशन कितना दिया हुआ है, एलिवेशन की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 535 meters, ठीक है, ये पहली वैल्यू हो गई। उसके बाद में दूसरी वैल्यू दे रखी है इन्होंने, एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर ART की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 22.65 degrees Celsius, राइट। अब इसके बाद में इन्होंने दे रखा है इफेक्टिव ग्रेडियंट ऑफ रनवे, ठीक है। थर्ड इन्होंने दे रखा है इफेक्टिव ग्रेडियंट ऑफ रनवे। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ठीक है, कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे और उसके बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि लेंदी हो जाता है कभी कभी क्वेश्चन, तो बच्चे छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इफेक्टिव ग्रेडियंट आपका हो गया 1%, और उसके बाद में जो स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो रनवे लेंथ है ये आपको वैल्यू लिखना है। स्टैंडर्ड में सारा कुछ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं तो आपको प्रॉपरली समझ में आए, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन बेस्ड रनवे लेंथ, ठीक है। ये दे रखा है इन्होंने 2000 meters। अब देखो, अब वैल्यूज आपके पास हो गई। इन्होंने क्या दे रखा है कि अब जो करेक्शन लेंथ होगी वो करेक्टेड लेंथ होगी, वो क्या होगी वैल्यू, ऑप्शन दे रखे हैं स्क्रीन पे, क्वेश्चन को आप देख सकते होंगे। अभी मैं क्वेश्चन को मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए पहले क्या करना है, हमें एलिवेशन ART दिया हुआ है, इफेक्टिव ग्रेडियंट 3 वैल्यूज दी रखी हैं, और 2000 मीटर जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, स्टैंडर्ड लेंथ होती है, वो इन्होंने बता रखी। अब पहले आपको हमने सीक्वेंस बताया था, पहले कौन सा करेक्शन, एलिवेशन, फिर टेम्परेचर, देन ग्रेडियंट। आप ECG पढ़े होंगे ना, ECG करते हैं तो आप ETG, अगर मान लो आप भूलते हो तो ECG की जगह आपको ATG करना है इसका, ठीक है। तो ETG पहले एलिवेशन, देन टेम्परेचर, देन ग्रेडियंट, ठीक है। और ये एलिवेशन और टेम्परेचर के बाद में अगर जो मीन वैल्यू थी, जो पहले मान लो x वैल्यू थी, जैसे यहाँ पे 2000 है, तो ये करेक्शन करने के बाद में अगर वैल्यू 35% से ज़्यादा आ रही है तभी हम इस करेक्शन को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट अप्लाई दिस, ओके। अब देखिए क्या करते हैं, ठीक है। अब एलिवेशन, पहला स्टेप इसका क्या होगा, अप्लाइंग एलिवेशन करेक्शन, राइट। अब
पहले एलिवेशन करेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट होता है? इफ़ 300 मीटर राइज इज देयर देन 7% करेक्शन यू विन अप्लाई, 7%। तो 1 मीटर के लिए, वैसे मैं ऐसे करके समझा चुका हूँ, 7% डिवाइडेड बाई 300, राइट। तो अभी हमारे पास में एलिवेशन कितना है? 535 मीटर, ठीक है। 535 मीटर के लिए कितना हो जाएगा? 535 × 7% डिवाइडेड बाई 300। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। लेट मी गेट द कैलकुलेटर, ओके, वेट अ मिनट। सो वी हैव कैलकुलेटर नाउ एंड लेट मी डू द कैलकुलेशन एंड साइड बाई साइड यू शुड ऑल्सो डू। 535 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 7, राइट। अब आ गया आपका ये कितना परसेंट आ गया? 12.483%, ठीक है। अब आपका इतना परसेंट का करेक्शन आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और आई विल रिकमेंड यू कि आप इस कैलकुलेटर को मत यूज़ करिए, वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज़ करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा और वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है आपकी स्पीड में और आपकी एक्यूरेसी में, राइट। तो उसका ध्यान रखिएगा। आप 12.48% आया। तो अब आपको जो ये एक्चुअल लेंथ है 2000 मीटर, मतलब इन्होंने तो हमें दे दिया डिज़ाइन करके, भैया 2000 मीटर ले लो। अब इसके बाद में हमें इस पर 12.483% का करेक्शन अप्लाई करना है। तो अब मैं वैल्यू लिखता हूँ कि करेक्शन क्या होगा, करेक्शन की वैल्यू क्या होगी। पहले आप ये देखो, 2000 का 12.483% कितना होगा? 2000 × 12.483, राइट, डिवाइडेड बाई 100, ओके। तो आप ये देखो, यहाँ से ये हो गया। अब इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो कितना आ गया वैल्यू? 249.6766 आ रहा है, ठीक है, आप इसको मीटर। ये करेक्शन अप्लाई करना है, मतलब हमें 249.67 मीटर का करेक्शन अप्लाई करना है। हमें 2000 मीटर दिया गया था। ये पहला करेक्शन कौन सा? एलिवेशन करेक्शन, ठीक है। तो अब न्यू करेक्टेड लेंथ कौन सी हो जाएगी? पहले मैं लिखता हूँ वैल्यू LE, राइट। LE का मतलब एलिवेशन की वजह से जो करेक्टेड लेंथ आई है आपकी, तो वो कितनी हो जाएगी? 2000 + 249.67, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 2249.67 मीटर। अब ये कौन सी करेक्शन हो गई आपकी? एलिवेशन करेक्शन की वजह से आपका ये वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में अगर आपने नोट डाउन करना है तो इसको नोट डाउन कर लो, मैं हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, टेक अ स्क्रीनशॉट, देन आई विल स्टार्ट विथ ART एंड टेम्परेचर करेक्शन, राइट। आप इसको नोट डाउन कर लो पहले। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हमें वैल्यू रिमेंबर करनी है 2249.67, राइट। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अभी क्या करना है भाई हमें? अभी हमें क्या करना है? अप्लाई करना है टेम्परेचर करेक्शन। देखो, टेम्परेचर करेक्शन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं, बट थोड़ा सा लेंदी बोल सकते हैं हम। 2249.67 मीटर ये वैल्यू आ गई एलिवेशन करेक्शन के बाद में, ठीक है। और मैंने आपको सारे लेक्चर्स में टर्मिनोलॉजी समझा दी है, तो आई होप कि जो मैं अभी बता रहा हूँ उससे आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा ये LE क्यों बोल रहे हैं, LT क्यों बोल रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं बोल रहे ऐसे, ठीक है। क्यूरियोसिटी नहीं आनी चाहिए बहुत ज़्यादा, अभी क्वेश्चन पे ध्यान रखो आप। LE की वैल्यू आपकी हो गई, ठीक है। देन स्टार्ट विथ टेम्परेचर करेक्शन, राइट। टेम्परेचर करेक्शन आई होप कि आप देख पा रहे होगे प्रॉपरली, ठीक है, और मैं इसीलिए साइड बाई साइड बोल भी रहा हूँ, ठीक है। टेम्परेचर करेक्शन में आपको क्या करना है? अब टेम्परेचर करेक्शन के लिए वैल्यू क्या दी गई है ART की? ART इज इक्वल्स टू 22.65 डिग्री सेल्सियस। और अगर पढ़ाई वढ़ाई की हो, याद हो आप लोगों को थोड़ा बहुत, तो मैंने एक फॉर्मूला आपको नोट डाउन कराया था कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट
एनी एलिवेशन का फॉर्मूला मैंने नोट डाउन कराया था, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 15 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.0065 इंटू एलिवेशन, राइट। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, नोट डाउन कर लो, 15 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.0065 इंटू एलिवेशन, ठीक है। अब ये क्या बताता है कि देखो, एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर तो हमें पता चल गया कि जब हमें डिज़ाइन करना है उसके लिए रेफरेंस टेम्परेचर कितना होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड एक्चुअल में वहाँ पे साइट पे क्या कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं वो जानने के लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करके अभी पता करना है कि उतने एलिवेशन पे, आई मीन 535 मीटर की एलिवेशन पे कितना टेम्परेचर है। भाई जब हम पता करे रहेंगे कि अच्छा इतना टेम्परेचर आ गया 535 मीटर एलिवेशन पे और एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर तो 22.65 डिग्री सेल्सियस है, तब हमें पता चलेगा। जैसे घर घर से आप बाहर निकले, घर पे रिश्तेदार ने आपको पैसे दिए, ठीक है, अब रिश्तेदार ने आपको 100 रुपये दिए, ठीक है, छोटे थे हम लोग तो घर पे आते थे रिश्तेदार तो बहुत खुशी होती थी ये सोच के कि कुछ पैसे वैसे मिलेंगे, ठीक है, तो क्या खुशी होती थी, वो खुशी थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाती थी, मम्मी आ जाती थी, मम्मी को एक्चुअल डाटा बताना पड़ता था कि भैया इतने पैसे मिले हैं, और सारा सारा खजाना ट्रांसफ़र हो जाता था, ठीक है। तो आपने क्या किया, 100 रुपये जो है आपको रिश्तेदार ने दिए, और आपने क्या किया, मम्मी को क्या बताया, मम्मी ने पूछा, मम्मी तो पूछेंगी, उनका राइट है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है, उन्होंने पूछा भैया कि कितने रुपए दिए मामा जी चाचा जी जो भी आए थे। अब आपने बोला कि इन्होंने हमें दिए 50 रुपये, आपने 50 रुपये मम्मी जी को बताया, मम्मी वेरीफाई करने तो जाएंगी नहीं कि भैया कितने रुपए दिए थे, ठीक है। अब 50 रुपये आपने बताया और 100 रुपये उन्होंने असली में दिए थे, तो अब कितना डेफिसिट हो गया, 50 रुपये का डेफिसिट हो गया। अब वो 50 रुपये का जो डेफिसिट हुआ वो कंपनसेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि क्या होता था, देखो हम मिडिल क्लास के लोग हैं, मम्मी लोग क्या करती थी, जो हमें मिलता था वही पैसा दे दिया जाता था जो सामने वाला आया होता था उसके बच्चे को, 100 रुपये मिला तो 100 रुपये उनको दे दिया जाता था। तो अगर उन्होंने 100 रुपये दिया और मान लो मम्मी ने कहीं से अरेंज करके 100 रुपये उसको दे दिया, लेकिन बाद में बताया कि मम्मी मेरे को 85 रुपये मिले थे, तो जो 50 रुपये का कंपनसेशन हुआ उसको तो कहीं से अरेंज करेंगी ना मम्मी, उनके लिए तो डिफ़िकल्ट हुआ ना। तो वही कहानी यहाँ पे है, यहाँ पे एयरपोर्ट वालों ने हमें कितने रुपए दे दिए, भैया इतने टेम्परेचर होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मम्मी को कितना बताया कि मम्मी इतना टेम्परेचर है, तो अब मम्मी के पास में कितने रुपये का डेफिशिट हो गया इससे पता चलेगा, अब वो उन्हें करेक्शन करके मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्या बात मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, 15 डिग्री सेल्सियस का है, ठीक है, ये 15 डिग्री सेल्सियस कहाँ से आया, आई होप कि आपको याद होगा कैसे आया 15 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि 15 डिग्री सेल्सियस को हम बन आइडियल टेम्परेचर मानते हैं जब हम रनवे डिज़ाइन करते हैं, हमने कई सारी कंडीशंस लिखाई थी उसमें 15 डिग्री सेल्सियस बताया था, रनवे को लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ओरिएंट करेंगे, उसके बाद में टेम्परेचर के बारे में बताया था और विंड की डायरेक्शन का बात बताया था मैंने कि देर इज़ नो विंड एट साइट जब हम अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो 15 डिग्री सेल्सियस वहाँ से अजम्पशन है, माइनस 0.0065 इंटू 535, राइट। अब क्या होगा 15, अब आप इसको कैलकुलेशन कर लो, अगर मेरा कैलकुलेशन कहीं गलत होगा तो यू हैव टू करेक्ट इट, एंड अब अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा, ठीक है। माइनस 15, 11.5225 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आ रहा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ठीक है, जो इतने एलिवेशन पे टेम्परेचर हमें दिया गया है। अब भैया इतने टेम्परेचर आ रहा है और एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर तो 22.65 डिग्री सेल्सियस है, अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है, जो मैंने बताया था आपको एग्जांपल कि कितना पैसा कम दिया, अब वो पैसा हमें कहीं से मैनेज करना पड़ेगा। तो अब जो डिफरेंस आया उसी में हम करेक्शन अप्लाई करेंगे। अब देखो कैसे करना है, अब डेल्टा टी निकालेंगे, डेल्टा टी क्या हो जाएगा आपका एआरटी माइनस स्टैंडर्ड टेम्परेचर, राइट। तो एआरटी क्या हो गया, 22.65 माइनस स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या हो गया, 11.5225, राइट। अब आप क्या करो इसमें 22.65, ठीक है,
आई विल रिकमेंड यू कि कैलकुलेशन आप करते चलो कि अगर कहीं मेरे से गलत हो जाए तो। डेल्टा टी आ गया आपका 11.1275 डिग्री सेल्सियस। आई होप आई एम गोइंग राइट। ओके, अब 11.1275 डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते जाओ, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो यू हैव टू करेक्ट इट, राइट। 11.1275 डिग्री सेल्सियस आ गया, अब इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे का बताता हूँ आपको, ठीक है। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अभी मैं इसको मिटाता हूँ, ये फार्मूला बहुत ध्यान से याद रखना है, क्योंकि ये भूल जाएगा फार्मूला एट वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे आपको ध्यान आएगा 65 था, 66 था, 64 सब वैल्यू याद आने लगेंगी, ठीक है। 15 में भी कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि भाई 25 तो नहीं था कहीं पे, ठीक है। इसको याद कर लो एलिवेशन के, और एग्जांपल जो मैंने बताया उससे रिलेट करो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये टेम्परेचर हमें डेल्टा टी मिल गया। अब इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। मैं पूरे एफर्ट्स दे रहा हूँ अपने, और इसलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ क्योंकि आप एक क्वेश्चन अगर प्रॉपरली कर लोगे तो आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाएगा। नहीं तो मैं चाहूँ तो जल्दी जल्दी लगा के ख़त्म कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको कहाँ से क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, क्या प्रोसेस हो रहा है, उसमें दिक्कत होगी, तो इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य के साथ में, थोड़ा पेशेंस मेंटेन करते हुए इसको करो क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हो गया भाई, मैंने आपको क्या बताया था, 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, 1% का करेक्शन। अगर 1 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी आपका 1 डिग्री सेल्सियस आया, 1 डिग्री सेल्सियस का करेक्शन है, तो फिर 1% करेक्शन जो लेंथ आई एल ई उस पर आप अप्लाई करोगे, ठीक है। तो अब क्या करो भाई, अब 1 डिग्री सेल्सियस तो आया नहीं, इन्होंने इतने पैसे चुरा लिए, तो अब 11.1275 डिग्री सेल्सियस आया, 11.1275 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो अब इसका मतलब 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 1%, तो 11.1275 डिग्री सेल्सियस के लिए 11.1275%, राइट। आप इतने परसेंट का करेक्शन अप्लाई करोगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये जो वैल्यू है इसका 11.1275% करो, 2249.67 इंटू 11.1275 डिवाइडेड बाई 100, ओके। अभी देखते हैं क्या होता है, 2249.67 इंटू 11.1275 डिवाइडेड बाई 100, 250। अब 250.33 आया, ठीक है, 250.33 मीटर की वैल्यू आ गई। अब क्या करो भाई आप, अब इसके बाद में जो एल ई की वैल्यू आई थी इस पे आपको करेक्शन अप्लाई करना है इसका, तो अब जो टेम्परेचर के करेक्शन के बाद भी जो लेंथ आएगी वो क्या हो गई आपकी एल टी, ठीक है। तो एल टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2249.67 प्लस 250.33। अब आप इसको जोड़ लो यार, एल टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस 2249.67, ठीक है। मैं इसको करता हूँ, ये वैल्यू आ रही है 2500, राइट, 2500। मैं इसको 2500 मीटर मान लेता हूँ, ठीक है। अभी इतना इतने देर तक आपको 67.1275 तक लाया, अब शांति से सिंपल वैल्यू के साथ में खेलते हैं, ठीक है। अब 2500 मीटर, ठीक है। अब हमने एलिवेशन करेक्शन अप्लाई कर दिया, टेम्परेचर करेक्शन अप्लाई कर दिया, अब इसके बाद में हमारा कितना आ रहा है करेक्टर लेंथ, 2500 मीटर। अब हम क्या करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जिसमें बच्चे गलत कर देते हैं और वो हड़बड़ी में पूरा का पूरा स्टेप इसके आगे भी कर जाते हैं, मतलब इतना टैलेंटेड होते हैं, इतना ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं कि कहते हैं नहीं मैं 2 स्टेप नहीं 3 स्टेप करूँगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको नोट डाउन कर लो, जैसा कि मैं एज यूजुअल बोलता हूँ कि पहले नोट डाउन करो फिर मैं आपको आके बोलूँगा। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो आप अभी इसको कर लो, ठीक है। तो आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अभी आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 2500 मीटर। अब सबसे बड़ा काम जहाँ पे लोचा हो जाता है, ठीक है। अब लोचा यहाँ पे आपको नहीं करना है, ठीक है। लोचा करने का काम किसका है, नेता लोगों का, तो आप लोग नेता टाइप काम मत कीजिए। 2500 मीटर हो गया आपका,
अब क्या करना है भाई, मैंने आपसे बोला था, क्या बोला था आपसे कि एल टी माइनस ओरिजिनल लेंथ एल डिवाइडेड बाई एल इंटू 100 अगर आपने करा एंड इट इज़ ग्रेटर देन 35% देन ओनली यू विल अप्लाई दिस करेक्शन, अदरवाइज यू आर नॉट सपोज टू अप्लाई ग्रेडियंट करेक्शन, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, चेक करना है कि हाँ वैल्यू क्या 35% से एक्सीड हो रही है। लेट अस चेक, तो 2500 अभी जो फाइनल लेंथ आई, ठीक है। ये एल टी वगैरह में मत कंफ्यूज होना कि एल टी है एल ही है, मतलब ये फाइनल वैल्यू जो करेक्शन के बाद में आई, दो स्टेप के बाद में, उस वैल्यू को आप उठाइए। 2500 माइनस 2000 डिवाइडेड बाई 2000 राइट इंटू 100, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आई होप कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 500 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, अब ये कितनी हो गई 25%। अब भाई साहब ये 25% की वैल्यू है, अब 25% की वैल्यू पे क्या आप अप्लाई करोगे वैल्यू जो आई है 2500 मीटर, इस पर 25, इस पर ग्रेडियंट करेक्शन अप्लाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप इसको देखो। मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा देखता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब बताइए कि चेक करोगे कि नहीं करोगे आप। अब देखो भैया, अगर 35 रुपये से ज़्यादा चोरी किया तभी चोरी मानी जाएगी, नहीं तो उससे कम पे चोरी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अगर मम्मी से 35 रुपये से ज़्यादा वाला घोटाला बताया कि मम्मी 100 मिला उनको, 85 बता दिया कि 85 मिला है, अगर 100 मिला है और आपने बोला मम्मी 80 रुपये मिला, 20 रुपये का घोटाला, 20 रुपये घोटाले कोई टेंशन नहीं लेना, 20 रुपये का घोटाला है बता सकते हो, तो कोई आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, सब खत्म। आप ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है। 25% आया विच इज़ लेस देन 35%, सो वी विल नॉट अप्लाई ग्रेडियंट करेक्शन, राइट। सो वी विल नॉट अप्लाई ग्रेडियंट करेक्शन एंड दस वी हैव आर फाइनल वैल्यू विच इज़ 2500। तो अब एयरपोर्ट वालों को, ICAO वालों को, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, सबको जाके बता दो कि हमने कैलकुलेशन कर लिया है, हमें पैसे दो, हमने आपका मेहनत ख़त्म कर दिया है, कम कर दिया है, ठीक है। 2500 मीटर इज़ द फाइनल वैल्यू। और इस क्वेश्चन में भी अब देखो, ये क्वेश्चन गेट में, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, गेट के क्वेश्चन में अगर एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में से क्वेश्चन आएगा ऐसा कि आपको एलिवेशन करेक्शन दिया हो, उसके बाद में ग्रेडियंट करेक्शन दिया हो और फिर टेम्परेचर करेक्शन दिया हो, तो इट इज़ 90% श्योर कि आपको ग्रेडियंट करेक्शन नहीं अप्लाई करना रहेगा, क्योंकि ग्रेडियंट करेक्शन अप्लाई करने के बाद में और लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, विच गेट डज नॉट वॉन्ट। और मैं भी, हो सकता है किसी प्रोफेसर ने डिज़ाइन किया, उसको चाहिए कि नहीं नहीं कैलकुलेशन करानी है बच्चे से, तो करा सकता है, बट इन 90% ऑफ द केसेस आपको करेक्शन अगर 3 दिए हुए हैं और आपको फाइनल वैल्यू पूछी हुई है, तो यू हैव टू बी डैम श्योर अबाउट इट कि हाँ आपको ग्रेडियंट करेक्शन नहीं अप्लाई करना है। ये ट्रिक है, इसको ध्यान रखना और चेक कर लेना अपना मन को तसल्ली देने के लिए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सारी वैल्यूज़, और इस क्वेश्चन को अगर आप प्रॉपरली देखते हो, प्रॉपरली करते हो और कॉन्सेप्चुअली दोबारा एक बार ट्राई करते हो, ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करो, ठीक है। अब ये मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया, इस छोटा सा क्वेश्चन गेट 2022 में आया था, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में कराया था क्वेश्चन आपको, कि गेट 2022 में सीधा क्वेश्चन पूछा था कि एलिवेशन इतना है, स्टैंडर्ड लेंथ इतनी है, तो बता दो भैया कि ऐसे कोई क्वेश्चन पूछता है, वो भी गेट एग्ज़ाम में, इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, और आप कहते हो गेट टफ एग्ज़ाम है, तो अगर नहीं करोगे देन इट इज़ श्योरली टफ फॉर यू, अदरवाइज यू विल रॉक इन द एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो।